ऐसे एकदम देख रहे हो मतलब देख लो भाई। बस अभी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, काफ़ी लोग हैं इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे और यूट्यूब पे भी काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे, जब भी जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड कर रहा था कि यार आप मतलब एक्सपोजिंग वीडियोस क्यों नहीं बना रहे, प्रैंक वालों को एक्सपोज करो या रोस्टिंग वीडियोस बनाओ। तो यार उसके पीछे एक रीज़न था, मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, क्योंकि ऐसा होता है कि यार जब आप किसी प्रोफेशन में जाते हो, यूट्यूब तो एक अपनी जगह है बट एज अ करियर में बता रहा हूँ, जब आप किसी प्रोफेशन में जाते हो तो वहाँ पे आपको टाइम देना पड़ता है। जब आप प्रोफेशनली कोई चीज़ कर रहे होते हो तो उसको टाइम देना पड़ता है। तो मेरे साथ भी यही था। तो लास्ट ईयर 2020 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो ग्रेजुएशन नॉर्मल था यार उस टाइम, तो यूट्यूब पे हम लगे पड़े थे, वीडियोज़ बना रहे थे, धकाधक वीडियो आ रही थी। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसके बाद फिर यार एक चूज़ करना होता, और मेरे को और आगे पढ़ाई करनी थी, तो फिर मैंने अपना प्रोफेशन ऐसा चूज़ करा जो बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ता है। तो मैं तैयारी कर रहा हूँ लॉ की, मुझे भाई लॉयर बनना है आगे जाके, तो उसी के एंट्रेंस की प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ लॉ के लिए। तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब टाइम देना पड़ता है यार, क्योंकि कॉम्पिटिशन आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा हो गया है। और अगर आपको यार प्राइवेट में एडमिशन लेना हो तो आप अगले दिन ही ले लोगे, बट एक अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छे कॉलेज जहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है, तो उसके लिए फिर एंट्रेंस क्रैक करना पड़ता है। आपको पता ही है आजकल तो कितना कंपटीशन हो गया, चाहे वो IIT हो या नीट हो या हमारे जैसे लॉ का कोई एंट्रेंस हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है यार, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आती है और सीट्स बहुत कम होती हैं। तो ऐसा था, इसलिए तो यार मेरे साथ ऐसा हुआ कि जनवरी तक मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहा था, एक्टिव था, फिर फरवरी मार्च अप्रैल मई तक मैं बिल्कुल गायब हो गया, मतलब कोई भी मतलब बहुत कम वीडियोस यार, दो दिन वीडियो करके बना रहा था। तो उसी में आप लोगों के मैसेजेस इंस्टाग्राम पे आ रहे थे और यूट्यूब पे आप कमेंट्स कर रहे थे कि भाई रोस्टिंग कर दो या एक्सपोजिंग वीडियोज़ बना दो। तो ऐसा होता है कि यार जब आप किसी चीज़ में लग जाते हो ना, तो फिर यार वहाँ से फिर एक तरफ कंसंट्रेशन करना पड़ता है, माइंड को वहाँ लगाना पड़ता है, वरना फिर दो चीज़ साथ में नहीं हो पा रही थी। क्योंकि यार देखो ऐसा होता है ना, रोस्टिंग वीडियोस बनानी पड़ती है, तो उसमें थोड़ा यार दे वीडियोस देखो, चार पाँच छः सात वीडियो जो भी देखो, फिर उसमें से कंटेंट निकालो यार, फिर स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर पढ़ाई लॉ की ऐसी है, मैं अभी आपको नोट्स दिखा दूंगा कैसे कैसे हमारी रातें रंगीन हो रही हैं, वो भी दिखा दूंगा। तो जैसे कि हमारे एक और भाई बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर गौरव भाई, फ्लाइंग बीस्ट के नाम से जिनका चैनल है, उनको मैंने पिछले वीडियो में मेंशन करा है, क्योंकि उन्होंने भी लास्ट ईयर बताया था कि वो भी लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने उनको इसलिए मेंशन करा है कि भाई कॉमन चीज़ अपने अपन दोनों में ये है कि भाई वो जिस कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लॉ के लिए, वो इस सेम कॉलेज के लिए मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, और इसलिए मेंशन कर दिया कि भाई क्या पता हमारी वीडियो देख ले, वैसे तो इतने बड़े यूट्यूबर हैं यार, कहाँ हमारी वीडियो देखेंगे। तो सेम दोनों वही उन्होंने, मैं उनके आपको पहले वीडियो दिखाता हूँ, उन्होंने अपनी वीडियो में क्या क्या बताया। एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि अगले साल जून में होगा। ये मैं नोट्स बना रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरे नोट्स बने हुए हैं, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा हूँ लॉ। तो जिस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ भाई, उसमें पूरे इंडिया में लॉ में 2000 सीट है, जिसमें से कि 1000 सीटें तो रिजर्व है, तो 1000 जनरल कैटेगरी के लिए है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, उन्होंने गौरव भाई ने बताया कि भाई 2000 के आसपास सीट है और दिल्ली में वो कॉलेज है, और दिल्ली और वो कहीं और नहीं दे सकते, दिल्ली में ही उन्होंने करना ही है लॉ। तो ऐसा है कि मैं थोड़ा और ओपनली बता देता हूँ, तो जो वो कॉलेज है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ लॉ, जो कि 3 ईयर LLB प्रोग्राम ऑफर करता है। और मैं बता दूँ 3 ईयर LLB के लिए जो सबसे बेस्ट कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ, वो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी है। उससे बढ़िया कॉलेज मेरे को नहीं लगता कहीं और होगा, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, बट DU LLB भाई अलग ही, उसकी अलग ही मतलब जैक है, समझ लो जैक क्या मान्यता, अलग ही मान्यता यार। तो ऐसा था, तो मेरा ऐसा था कि मैंने लास्ट ईयर भी दिया था ये एग्ज़ाम, मेरा नहीं हो पाया था, कट ऑफ में नाम नहीं आया था, तो मैंने सोचा चलो एक बार और करते हैं, तो मैंने ड्रॉप करा, फिर मैं दोबारा तैयारी में लग गया। तो इसी वजह से ये था कि देखो जो ये एग्ज़ाम होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो जून में होता है, बट तो जनवरी तक, जनवरी में ऐसा था कि भाई कोरोना के केसेस बहुत कम थे, तो हमें ये लग रहा था कि भाई सब कुछ टाइम पे होगा, मार्च अप्रैल में फॉर्म निकल जाएंगे और आपका जून में जो है, जून में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसी हिसाब से मैंने दिसंबर में तैयारी शुरू कर दी थी दोबारा पढ़ने की। तो उससे जो पहले मैंने फर्स्ट टाइम दिया था ना, उसमें मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं करी थी, मैंने हल्के में ले लिया था, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा और सीरियस करना पड़ेगा, तो मैंने दिसंबर में थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करा। मैंने बोला अभी तो बहुत टाइम है, क्योंकि जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ था वो सितंबर में जाके हुआ था ड्यू टू कोविड। तो फिर बट जनवरी में ऐसा लगा कि भाई नहीं, सब कुछ मतलब अब सब कुछ ठीक हो गया, लगता है जनवरी में वो जून में ही एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो फिर मैंने इसलिए फिर यूट्यूब को साइड करा, और फिर मैं फरवरी से भाई एकदम सीरियस हो गया, लग गया पूरा पढ़ाई में। मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ भाई, नोट्स ये देख लो, ये ऐसे होते हैं भाई, ऐसे क्या इसे निकाल कर दिखा देता हूँ, मतलब ये देख लो यार, ऐसे एकदम आपको पता ही चल जाएगा भाई, ये लगा लो कितने होंगे, ये कम से कम भाई 100 पेज के आसपास ही होंगे, ठीक है। ये अलग है, ये है मेरी इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के नोट्स है, और
और भाई अगर LLB कर रहे हो तो बुक ना लियो, तो फिर क्या पता, ठीक है, ये बुक से पढ़ रहा हूँ। और बुक, और जब आपको पढ़ना पड़ता है तो कैसे पढ़ना पड़ता है वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो हमारी रातें जो है वो ऐसे रंगीन होती हैं, मतलब एक एक वर्ड को काटना पड़ता है पूरा अच्छे से, मतलब पूरा पढ़ लेना पड़ता है, हर एक लाइन ऐसे करनी पड़ती है। और हमारा साथी यही है, हाइलाइटर, हम हाइलाइटर लेके चलते। तो भाई देखो इतना पढ़ना पड़ता है ना, तो ये वाली स्क्रिप्ट याद करनी है यार अभी, इसलिए आपकी रोस्टिंग वाली स्क्रिप्ट नहीं बन पा रही है, वो चीज़ है। और थोड़े और नोट दिखा देता हूँ यार, मैं भी यार आज तक इतना नहीं पढ़ा जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब पहली बार मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब ये लगा लो भाई हद हो गई है। देख रहे हो मतलब देख लो भाई, अभी तो ये आधी भरी है, अभी और भरना बाकी है, मतलब समझ लो तैयारी कैसे चल रही है। तो मेन यही था। और तो भाई इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कॉलेज के लिए, तो ऐसा है कि जो इसमें एप्लीकेशन जो अराउंड हर साल भाई कम से कम 20,000 के आसपास एप्लीकेशन आती हैं बच्चों की ऑल ओवर इंडिया से। और जो इसमें सीट्स हैं, जैसे गौरव भाई ने अपनी वीडियो में बताया था कि 2,000 के आसपास सीट है, जो टोटल सीट है वो 2,900 के आसपास है। और यार 20,000 और 2,900 सीट देख लो यार, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो इस वजह से मैं यार बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ता है पढ़ाई के लोग इस पढ़ाई को लेके। और भाई अब अच्छा कर, अब ये है कि भाई अगर आप किसी चीज़ में जा रहे हो तो यार वहीं जाओ जहाँ पे अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो रही हो, वरना प्राइवेट में तो प्राइवेट एक प्लान बी होता है, मतलब प्लान बी लेके चलना पड़ता है। अगर आपको गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो आप प्राइवेट में ले रहे हो, वो बात की बात है, तो प्लान बी भी है अपने पास, लेकिन फर्स्ट अपना फोकस इसी पे ही है। और मेन बात ये है कि भाई, और ऐसा था ना मेरा जो कोर्स था, मैं जो सिलेबस था वो मैंने भाई देखो फेबररी मार्च अप्रैल मई तक मैंने ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर लिया। तो बस करंट अफेयर्स पे काम चल रहा है, करंट अफेयर्स जैसे डेली के जो भी कुछ ना कुछ आता रहता है, न्यूज़पेपर रीड करना और जो भी दुनिया देश में क्या चल रहा है, क्या चीज़ नहीं चल रही उसको लेके। और उसके बाद फिर बाकी मेरा सिलेबस काफ़ी कंप्लीट है, बस रिवीजन। तो जून में अभी जैसे आपने देखा होगा मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ बना दी, तो थोड़ा टाइम मिल गया तो मैंने सोचा चलो यार कुछ वीडियोज़ बना देते हैं, तो उस हिसाब से वीडियोज़ बना दी। और अभी ये कि टाइम बहुत कम बचा है कुछ, मतलब अब जैसे कि मोस्टली क्लैट जो 5-ईयर लॉ प्रोग्राम होता है वो, उसका पेपर भी जुलाई के एंड में है, और आपका NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उसका पेपर भी जुलाई के एंड में है, और अभी 2 दिन पहले ही पंजाब यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर करा है उसका पेपर अगस्त में है, आई थिंक 5 अगस्त या 15 अगस्त से कुछ है। तो मतलब सब जितने भी और लॉ कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के उनके सबकी डेट्स आ चुकी हैं। और अभी मैंने सर्च किया था तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है वो भी जुलाई में 10 से 15 के बीच में उनके रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे, और जो ऑलमोस्ट जो एग्ज़ाम है वो अगस्त के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। तो बस एक महीना ही बचा यार, तो इसी वजह से और ज़्यादा लगे हुए थे और ज़्यादा सीरियस हो गए, तो इस वजह से वीडियोस बहुत कम आ रही थी, तो मेन रीज़न यही था यार। तो बाकी आप समझ गए होगे देख के भाई, पढ़ाई बहुत पढ़ना पड़ता है। और बाकी उसके बाद देखो ये ऐसा होता नहीं यार, देखो अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो तो ब्लॉगिंग वगैरह में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है, आप जो कर रहे हो वो आपको दिखाना है। मेरा ये था, मैं शुरू से रोस्टिंग वीडियोस बनाता तो एकदम से मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं आपको ब्लॉगिंग पे आता तो मेरे को लगता फिर आप लोगों को अच्छा भी नहीं लगता यार कि क्या दिखा रहा है क्या नहीं। तो इस वजह से मैं रोस्टिंग की वीडियो बीच बीच में डालता, दो तीन ऐसे करके डाल रहा था जितना टाइम मिल जाता था, उस हिसाब से बना देता था। और आगे तो देखो यार रोस्टिंग का चालू रहता है या नहीं रहता वो तो आगे डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं इतना समझ गया अभी जस्ट एंट्रेंस की प्रिपेयर कर रहा हूँ, लिमिटेड पढ़ रहा हूँ तो इतना पढ़ना पड़ रहा है। तो भाई अगर लॉ में जाएंगे पढ़ने के लिए तो फिर क्या होगा, वो तो फिर बाद में पता चलेगा। तो चलो बस यार यही था जो बताना था आपको आज के लिए, इतना ही, बस इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि गौरव भाई भी हमारी वीडियो को देख ले, और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना।